एवरीवन वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे रेंट ए गर्लफ्रेंड के चैप्टर नंबर 264 चैप्टर। एक्सप्लेन करने से पहले यार 263 का कुछ पेज रह गया था। जैसे कि यार हम लोगों ने देखा था कि काजो मामी से मिलने के बाद वो वापस आता है और वो अपने आगे मिजुहारो को देखता है और मिजुहारो वेलकम बैक कहती है। तभी मिजुहारा काजो को घूर के देख रही होती है और इससे तो काजो एकदम से चौंक ही जाता है। और ये देख के काजो जो कि सोच रहा होता है कि आखिर क्या बात है, क्या उसे पता चल गया कि मैं मामी के साथ मिलकर आया हूँ। और तभी मिजुहारा कहती है क्या तुम अभी जा सकते हो, और इससे तो काजू एकदम से हैरान ही हो जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मिजुहारा बाथरूम के अंदर जाती है और काजू अभी वहाँ से जल्दी से आने की वजह से उसकी उंगली दरवाजे के अंदर फंस जाती है और वो एकदम से शांत से बैठ जाता है। और मिजुहारा भी तभी काजू को देखने लगती है। हमें नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। तभी काजू अपने नींद से जागता है और वो अपने उंगलियों की तरफ देख रहा होता है और उसकी उंगली जो कि काफी दर्द दे रहे होते हैं क्योंकि वो जो चोट लग गया होता है, वो सोच रहा होता है कि चोट की वजह से मैं उठना भी नहीं चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यामोरी जो कि काजो के आगे होती है, जब काजो बताता है कि मिजुहारा की बर्थडे आ रही है और ये सुन के यामोरी कहती है कि आखिर ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो बताती है कि किरारी तोमियो का भी बर्थडे सेम डे में ही है। वो काजो को बताने लगती है कि तो तुम पिछले साल उसे पिकल प्लम दिए थे। और ये बात सुन के काजो कहने लगता है कि तुम इस तरह बात मत करो। वो बता रही होती है कि काजो को अगर तुम अपने होस्ट के घर में रहकर भी अगर तुम अपने हाउसमेट की बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे तो ये तो फेलर ही होगा। फिर भी अगर वो कहे कि इसकी कोई जरूरत नहीं है तो वो अब एक इंसान ही है और अगर हम उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इसको एंजॉय नहीं करेगी। और ये सुन के काजो कहता है कि हाँ मैं ऐसा ही सोच रहा था, लेकिन जब वो कह रखी है तो मेरे लिए कुछ करना मुश्किल है और ये जानने के लिए मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि उसे आखिर क्या पसंद है। फिर भी ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी बिजी है और वैसे भी वो आज सुबह काफ़ी जल्दी चली गई और ऐसा हो सकता है कि वो लेट में ही आएगी। वो सोच रहा होता है कि कल मिजुहारा की एक प्ले है और इसी की वजह से वो एक रिहर्सल करने के लिए चली गई होगी। हम लिविंग टुगेदर में रह रहे हैं फिर भी ऐसा लग रहा है कि हम दोनों अभी भी काफ़ी दूर रह रहे हैं। इसके बाद हमें देखा जाता है कि काजो जो कि वही रूम में पड़े पड़े उसका पूरा दिन ही बीत जाता है। वो अपनी उंगली की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि अभी भी वो काफ़ी दर्द कर रहा है और वह जैसा सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा होता है। और जब रात होने लगती है तो वो एक शावर लेने के लिए चला जाता है। वो जब बाथरूम की तरफ जा रहा होता है तो वो देखता है कि मिजुहारा की रूम की लाइट अभी भी बंद होते हैं और मिजुहारा अभी तक नहीं आई होती है और यामोरी भी अपने प्लान के लिए कहीं बाहर गई होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब काजू शावर लेके बाहर आता है तो वो देखता है कि अपने आगे जो कि काफ़ी सारे बर्तन होते हैं और वो धोने के लिए रखा गया होता है। वो सोचता है कि मिजुहारा और यामोरी ये धो देते हैं, लेकिन अगर आज मैं ये धो दूंगा तो शायद मिजुहारा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम देखते हैं काजू वो बर्तन धोते हुए सोच रहा होता है कि आज मिजुहारा की बर्थडे है, लेकिन मुझे आखिर क्या करना चाहिए, क्या मुझे मिजुहारा को इसके बारे में फिर से पूछना चाहिए। अगर मैं मिजुहारा को इसके बारे में और पूछूंगा तो शायद वो सोच सकती है कि मैं उसे परेशान कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी यामोरी की बात मानूं तो मुझे फिर भी मिजुहारा के लिए कुछ करना चाहिए। वो सोच रहा होता है कि मैं उसके लिए कुछ तो करना ही चाहता हूँ। और ये सब सोचते हुए काजू जब बर्तन धो ही रहा होता है तो कोई बाहर से आवाज़ देता है कि आई एम होम। और जब मिजुहारा काजू के आगे आती है तो वो देखती है कि काजू वो बर्तन धो रहा होता है और वहाँ पर काजू हैरान होते कहने लगता है कि माफ़ करना, मैंने अभी एक साबर लिया और इसी के लिए मैंने ये सोचा कि मैं ये डिशेस भी साफ कर दूँ। और ये देख के मिजुहारा कहती है ओ ऐसी बात है तो तुम्हारा शुक्रिया। और यहाँ पर काजू भी धीरे से कहता है कि वेलकम बैक। वो अपने उंगलियों को छुपाते हुए कहता है कि ठीक है मैं अपने रूम में वापस जा रहा हूँ। जब मिजुहारा काजू की उंगली की तरफ देखती है और वो कहती है कि हे क्या हुआ तुम्हारी उंगलियों के साथ, तो काजू अभी यहाँ पर चौंकते हुए कहने लगता है कि कुछ भी नहीं, ये स्कूल में बस दरवाजों के बीच फंस गया था। वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि मैं उसे ये नहीं कह सकता हूँ कि ये कल हो गया था। और जब मिजुहारा ये सुनती है तो वो काजू को अपने साथ आने के लिए कहती है। और यहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिजुहारा जो कि फास्ट एड कर रही होती है काजू को, वो कहती है कि फास्ट एड किट लिविंग रूम की कैबिनेट में होता है और ये बात तुम भूल मत जाना। जब मिजुहारा काजू को बैंडेज लगा रही होती है तो और ये देख के काजू जो कि सोचने लगता है कि आखिर अब ये हो क्या रहा है, वो मेरी काफी करीब है, रिहर्सल के बाद वो जो कि काफी थक गई होगी फिर भी वो मेरी मदद कर रही है और उसकी स्मेल जो कि काफी शानदार है। वो सोचता है कि मिजुहारा सच में एक एंजल है। जब मिजुहारा काजू की फास्ट एड कर रही होती है तो वो काजू से पूछती है कि क्या तुम मेरे लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे, जैसे कि तुम्हें पता है मेरे बर्थडे कल है तो शायद इसी की वजह से। और काजू ये सुन के सोचने लगता है वो कितनी शार्प है। तभी काजू बताता है कि इसके बारे में कुछ भी नहीं करना, मुझे इससे अच्छा नहीं लगता। और ये सुन के मिजुहारा बताती है कि तुम ये कह रहे हो फिर भी तुम एक इंजरी के साथ मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। वो तभी काजू की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया इसके लिए और मैं तुम्हारा अप्रिशिएट करती हूँ। वो फास्ट एड करने के बाद कहती है कि ठीक है अब केयरफुल रहना, ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं काजू जो कि अपने रूम की तरफ आते हुए सोच रहा होता है कि यार सच में मैं अभी फंस चुका हूँ, मैं इसके लिए खुश हूँ कि मिजुहारा ने मेरी अप्रिशिएट की, लेकिन कल जब उसके एक बार प्ले खत्म हो जाएगी तो वो वापस आ जाएगी और सो जाएगी। वो सोचता है कि सीरियसली क्या सच में यही होने वाला है। नेक्स्ट सीन में हमें सुमी को दिखाया जाता है जो कि किसी मॉल से गिफ्ट पैक करने के बाद वो वापस आ रही होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मामी चा जो कि बैठकर हवाई में जो सारी चीज़ें हुई थी उसके बारे में याद कर रही होती है।
वो यहाँ पर सोच रही होती कि उसकी और मिजवार के बीच आखिर किस तरह की लड़ाई हो गई थी। और मिजवार भी तभी कही थी कि काजुआ के लिए इतनी ऑब्सेस होना ये बियर्ड है, और काजुआ के बारे में जो फीलिंग है तुम खुद से झूठ कह रही हो। वो तभी याद करती है कि जब वो अभी काजुआ के साथ बाहर गई थी, काजुआ फिर भी इसके लिए उससे माफी मांग रहा था। तभी मामी अपने फोन में अपने एक ग्रुप की फोटो देखती है। वो वहाँ पर काजू को देख के सोच रही होती है कि क्या सच में बस इतनी ही बात थी। और हमें आखिर में कहा जाता है कि अब आखिर मिजवार की बर्थडे किस तरह होगी और अभी मामी के साथ क्या प्रॉब्लम है। यार ये चैप्टर भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। यार काफी लेट के बाद ये चैप्टर रिलीज हुआ है और ये चैप्टर में भी ज्यादा कुछ तो नहीं था। फिर भी यार हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए वेट करते हैं।